दोस्तों BCCI जिसकी सक्सेस को देखकर हमें गर्व तो होता है, लेकिन साथ ही में हम बार बार इंटरनेशनली ये क्रिटिसिज्म सुनते रहते हैं कि BCCI क्रिकेट को खत्म कर रहा है। फिर चाहे वो एसोसिएट नेशंस की फंडिंग को कम करना हो या फिर इस बार के वर्ल्ड कप फाइनल में हुई पिच की कॉन्ट्रोवर्सी का मामला हो, हर जगह बहुत सारे ओपिनियंस हैं। पर क्या BCCI पर लगे ये इल्जाम बिल्कुल सही है? आइए जानने की कोशिश करते हैं हम आज की इस वीडियो में। देखिए BCCI और उनकी अप्रोच के बारे में जानने के लिए सबसे पहले इसके इतिहास को भी जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहीं से हमें पता चलता है कि BCCI में मेजर शिफ्ट कब आया। हम सभी को 1983 के वर्ल्ड कप फाइनल और दो टिकट्स की कहानी तो पता ही है, जिसमें BCCI के NKP साल्वे को दो टिकट्स लॉर्ड्स के फाइनल के लिए नहीं मिली थी और उन्होंने फिर ये प्लान बनाया कि वो अगला वर्ल्ड कप अब भारत में करवाएंगे। इसके लिए सबसे पहले 1984 में साल्वे ने एशियन क्रिकेट कमेटी की शुरुआत की, जिस पर ICC का कोई भी कंट्रोल नहीं था, और फिर इन एशियन टीम्स के बीच में एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया जिसे एशिया कप कहा जाता है और आज भी ये चल रहा है। ये टूर्नामेंट एक प्रूफ था कि भारत भी बड़े टूर्नामेंट्स होस्ट करने का दम रखता है, और इसी एशियन यूनिटी को इस्तेमाल करते हुए साल्वे ने पाकिस्तान और श्रीलंका के बोर्ड को भी ICC मीटिंग में उनका साथ देने के लिए मना लिया था। और इधर इंदिरा गांधी की मदद से उन्होंने धीरू भाई अंबानी से टूर्नामेंट के लिए फंडिंग की गारंटी भी ले ली। इसके बाद ICC की अगली मीटिंग में BCCI ने एक रोटेटिंग पॉलिसी सजेस्ट की, जिसमें वर्ल्ड कप हर 4 साल बाद कोई अलग देश होस्ट करेगा। अब इंग्लिश क्रिकेट को ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने कई अड़चने इसमें डाली, जैसे कि उनका कहना था कि प्लेयर्स के ट्रैवल के लिए इनफ फैसिलिटीज नहीं है, तो सरकार ने स्पेशल फ्लाइट्स कमिट कर दी। इसके अलावा एक इशू ये भी था कि भारत में लाइट्स का भी इशू होता है, तो इसके जवाब में BCCI ने 60 ओवर की जगह एक 50 ओवर का वर्ल्ड कप सजेस्ट किया, जो अब स्टैंडर्ड बन गया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश भी रोटेशन पॉलिसी के पक्ष में आ गए और इंग्लैंड के बाहर पहला वर्ल्ड कप भारत और पाकिस्तान ने मिलकर होस्ट किया। लेकिन ये अभी भी कोई फाइनेंशियल विन नहीं थी। जी हाँ, क्योंकि BCCI ने भैया इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने से कोई खास पैसा नहीं कमाया था, और अभी भी प्लेयर्स को 200 रुपए अलाउंस और 1500 रुपए मैच फीस के तौर पर ही मिल रहे थे। BCCI और उनकी फाइनेंशियल पावर का राइज 1991 से जुड़ा हुआ है, जब साउथ अफ्रीका में फाइनली रंग भेद की प्रथा को खत्म कर दिया गया था, जिस वजह से साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम पर जो बैन लगा हुआ था ना, उसे भी हटा दिया गया और साउथ अफ्रीका ने अपना पहला मैच भारत के साथ खेलने का फैसला किया। ये एक 3 मैच की ODI सीरीज थी और सीरीज की शुरुआत से ही साउथ अफ्रीकन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर अली बशर ने BCCI एडमिनिस्ट्रेशन जग मोहन डालमिया को फोन किया और पूछा कि वो सीरीज के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स किसे और कितने में बेचेंगे। डालमिया के लिए ये सवाल बहुत अजीब था, क्योंकि तब तक BCCI खुद दूरदर्शन को मैच दिखाने के पैसे देता था और खुद टिकट्स और ऑन ग्राउंड एड्स से पैसा कमाता था। अली ने उन्हें समझाया कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेच सकते हैं, और अब उस सीरीज के राइट्स के बाद BCCI ने एक साउथ अफ्रीकन ब्रॉडकास्टर को $2,00,000 में राइट्स बेचे थे। BCCI का ये पॉलिसी चेंज बहुत ही समय पर आया था, क्योंकि इसी समय मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की सरकार ने इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया था, जिन्होंने इंडियन मार्केट में एंटर करना शुरू किया और BCCI के पास एड रेवेन्यू आने लगा। अब प्लेयर्स के पास भी मार्केटिंग डील्स आ रही थी और TV के तेजी से पॉपुलर होने के कारण क्रिकेट ऑडियंस बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी, और इसी समय BCCI ने पहली बार अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। साउथ अफ्रीका की सीरीज के बाद 1993 में जब इंग्लैंड भारत के टूर पर आई थी, तो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी TWI को $6,00,000 में ये राइट्स बेचे गए। इसी साल हीरो कप के राइट्स सेम कंपनी को $5.5 लाख में बेचे गए। खुद दूरदर्शन, जो कभी BCCI से हर मैच दिखाने के $5,00,000 लिया करता था, उसने भी BCCI को $5.4 करोड़ दिए, ताकि वो अगले 5 साल तक के लिए उनके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीद सके। लेकिन जैसे जैसे ये पैसा सिस्टम के अंदर एंटर कर रहा था, इसे डबल करने की भूख और ज्यादा पड़ रही थी। रोटेशन पॉलिसी के हिसाब से 87 में भारत और पाकिस्तान, 1992 में ऑस्ट्रेलिया, और अब 1996 में दोबारा ये वर्ल्ड कप इंग्लैंड को होस्ट करना चाहिए था, लेकिन भारत ने इंग्लैंड से ये अपॉर्चुनिटी भी छीन ली। जी हाँ, 1996 में मार्क मस्करनिस नाम के एक ब्रॉडकास्टर ने BCCI को अप्रोच किया और कहा कि अगर भारत वर्ल्ड कप को होस्ट करता है तो वो $1.4 करोड़ पे करने के लिए बिल्कुल तैयार है।
अब एक सिंगल टूर्नामेंट के लिए ये काफी बड़ा अमाउंट था, इसलिए BCCI ने प्लान बनाना शुरू कर दिया। BCCI ने वर्ल्ड कप के लिए एसोसिएट टीम्स को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा गारंटी मनी देने की घोषणा कर दी थी, जिससे कि भारत को ये होस्टिंग मिल ही गई। इस बार भी इस वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस भारत के बाहर हुए थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ने अपने मैचेस श्रीलंका में खेलने से मना कर दिया। इसके बाद BCCI को लगा कि भैया अब ICC का प्रेसिडेंट भी किसी इंडियन या एशियन को होना चाहिए, वरना हमेशा से ये होता था कि MCC के प्रेसिडेंट को ही बाद में ICC का प्रेसिडेंट बना दिया जाता था। एशियन इन्फ्लुएंस के बढ़ने के बाद ICC में वोटिंग करनी शुरू हो गई, जिसमें सबसे पहले क्लाइड वेलकट, जो कि एक वेस्ट इंडियन क्रिकेटर थे लेकिन ECB के ही लॉयल माने जाते थे, वो चुने गए। 1997 में जगमोहन डालमिया ने भी चुनाव में हिस्सा लिया। डालमिया को पता था कि जितने भी फुल मेंबर नेशंस हैं, वो तो सभी इंग्लिश कैंडिडेट को ही वोट करेंगे, इसलिए उन्होंने एसोसिएट टीम्स पर ध्यान देना शुरू कर दिया। एसोसिएट टीम्स के पास इतने कम फंड्स होते थे कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स लंदन में वोट करने के लिए मीटिंग्स में हिस्सा लेना अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। इस इलेक्शन में डालमिया ने अपने खर्चे पर सभी मेंबर्स का लंदन में रहने का इंतजाम किया और पूरा एक्सपेंस खुद उठाया। नतीजा ये रहा कि भैया डालमिया को जीत मिली और अब एक इंडियन वर्ल्ड क्रिकेट का बॉस बन चुका था। इसके बाद BCCI के पास भी शिकायतें आना भी बढ़ गईं। ये बात है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2001 की टेस्ट सीरीज की, जिसके दूसरे मैच के ड्रॉ होने के बाद मैच रेफरी यानी कि माइक डेनेसी ने 6 इंडियन प्लेयर्स पर सस्पेंशन लगा दिया। कप्तान सौरभ गांगुली समेत सभी खिलाड़ियों पर एक टेस्ट मैच का बैन लगाया गया था। डेनिस का कहना था कि ये खिलाड़ी बहुत ज्यादा अपील कर रहे थे, जिस वजह से उनके ऊपर ये फाइन और बैन लगाया गया है, जिसने हर तरफ से लोगों को नाराज कर दिया। पर यहाँ बात खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सचिन तेंदुलकर पर इसी मैच में बॉल टेम्परिंग का भी इल्जाम लगा था। इंडियन टीम का आज तक डिफेंस ये है कि सचिन बॉल को साफ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मशहूर कमेंटेटर टॉनी ग्रिग ने उस वक्त एक प्रोग्राम में इस बात की तरफ ध्यान दिलाया था कि जब आप बॉल को साफ करते हैं तो आप बॉल की तरफ देखते हैं, जबकि सचिन बॉल को नहीं देख रहे थे। जहां एक तरफ जेफरी बायकॉट और रवि शास्त्री जैसे एक्सपर्ट्स सचिन को डिफेंड कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ टॉनी ग्रिग और स्टीव वॉग जैसे लेजेंड्स इस फैसले को सही बता रहे थे। इसके बाद BCCI, जो कि अब काफी ताकतवर भी हो चुका था, ICC से कहता है कि ये सभी बैंस गलत हैं, और साथ ही माइक डेनिस को भी अगले मैच के रेफरी के तौर पर रिमूव करने के लिए कहता है। ICC ये बात मानने से इनकार कर देता, लेकिन BCCI नहीं झुकने वाला था। BCCI द्वारा साउथ अफ्रीका के बोर्ड पर यह दबाव बनाया गया कि अगला मैच ICC की परमिशन के बिना ही खेला जाएगा, जिस वजह से ICC ने उसे एक अनऑफिशियल टेस्ट डिक्लेयर कर दिया था, और इस मैच में बने किसी भी स्कोर या ली गई विकेट को कभी ऑफिशियली टेस्ट में नहीं छोड़ा गया। लेकिन इस मैच ने यह दिखा दिया था कि BCCI कितनी आसानी से किसी दूसरे देश के बोर्ड और खुद ICC को बुली कर सकता है। साउथ अफ्रीका को इस मैच के लिए राजी ही इसलिए होना पड़ा, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो उन्हें 80 लाख रैंड का नुकसान हो जाता, और साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस मैच से पहले साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के लोगों से बात की थी। शॉन पॉलॉक ने इस पर टिप्पणी करते हुए ये भी कहा था दोस्तों कि इस मैच के बारे में प्लेयर्स से उनकी राय नहीं पूछी गई थी। यहाँ पर इन इंसिडेंट्स को मेंशन करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि BCCI का जब भी कोई क्रिटिसिज्म करता है तो फिर जवाब में उन्हें ये कहा जाता है कि बाकी क्रिकेट बोर्ड्स ने भी BCCI को इसी तरह ट्रीट किया है, जो कि पूरी तरह से सच नहीं है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि IPL के बाद से ही BCCI इतनी ताकतवर बनी है कि वो दूसरे बोर्ड्स पर अपनी पावर असर्ट कर सकती है, लेकिन हम इन घटनाओं में यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह 80s के समय में ये क्रिकेट की पावर इंडियंस की तरफ शिफ्ट होनी शुरू हो गई थी। ऐसे में हम खुद को अनफेयर ट्रीटमेंट का विक्टिम कहकर काम नहीं चला सकते। अब अगर IPL की बात की जाए तो ये भी कोई शक नहीं है कि इसने BCCI की पावर को कई गुना बढ़ा दिया है, और $15 बिलियन की ये लीग दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग बन गई है। BCCI IPL की पावर को जानती है, इसलिए चाहे ऑस्ट्रेलिया से लेकर पाकिस्तान सब देश अपनी लीग बना लें, तब भी BCCI अपने प्लेयर्स को उन लीग्स में नहीं भेजेगी, क्योंकि क्रिकेट की 90% ऑडियंस इंडिया से ही आती है, और अगर दूसरी लीग्स में भी इंडियंस खेलने लग जाएंगे भैया तो ये 90% ऑडियंस भी उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन IPL के साथ भी कई कॉन्ट्रोवर्सीज जुड़ी हुई है। जैसे अभी भी IPL एक टैक्स फ्री टूर्नामेंट है, सिर्फ इतना ही नहीं, अब BCCI ने IPL के लिए साल में 2.5 महीने की विंडो रखवा ली है, जिसमें कोई भी इंटरनेशनल मैचेस नहीं हुआ करेंगे। ये आइडिया बड़ी टीम्स के लिए तो ठीक है जिनके प्लेयर्स IPL में खेलेंगे, लेकिन उन एसोसिएट टीम्स का क्या जिनके प्लेयर्स को IPL में मौका ही नहीं मिलता।
वे अब ना ही इंटरनेशनल मैचेस खेल सकते हैं और ना ही कोई दूसरी लीग। आज के समय में हम ये बात बिना किसी शक के कह सकते हैं कि बीसीसीआई ही आईसीसी को कंट्रोल कर रहा है, और इसका एक सबूत हमें 2012 की उस घटना में मिलता है जब आईसीसी ने एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट सबमिट की थी जिसमें ये सजेशन दिया था कि आईसीसी को एक मेंबर्स क्लब बनकर ही नहीं रहना चाहिए बल्कि उन्हें एसोसिएट मेंबर्स की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। उन्हें ज्यादा फंड्स की जरूरत है जिसके लिए आईसीसी को एक इंडिपेंडेंट गवर्नेंस की जरूरत है। बीसीसीआई को ये रिपोर्ट पसंद नहीं आई थी जिस वजह से उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आईसीसी के कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इसका सपोर्ट किया था जिसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव भी थे यानी टिम ब्ले। इसके बाद आईसीसी में एक इलेक्शन भी होता है जिसमें बीसीसीआई अपने कैंडिडेट को टिम ब्ले के अगेंस्ट खड़ा कर देती है और बाकी बोर्ड्स को ये कहकर धमकाया जाता है कि अगर वो बीसीसीआई के फेवर में वोट नहीं करेंगे तो भारतीय टीम उन देशों का दौरा नहीं करेगी। अब जाहिर सी बात है भैया कि बीसीसीआई की जीत हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, आईसीसी के प्रेसिडेंट हरुण लॉरगाट ने भी प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले ली और इसके पीछे बीसीसीआई के साथ उनके मतभेद का ही कारण बताया गया। अब बाद में जब साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने हरुण को अपना एडमिनिस्ट्रेटर बनाया तो इसके ऊपर भी बीसीसीआई नाराज हो गया और उन्होंने भारत का आने वाला साउथ अफ्रीका टूर कैंसिल करने की धमकी दी और बाद में उन्होंने अपना टूर छोटा कर दिया जिससे साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को करोड़ों का नुकसान हुआ। बीसीसीआई को हमेशा ही क्रिकेट में इस तरह की पेटी पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और अब ये टैग इस तरह से बीसीसीआई के साथ चिपक गया है कि अब जहां बीसीसीआई की गलती नहीं भी होती वहां पर भी लोग उन्हें क्रिटिसाइज करने लगते हैं। इसका एक बड़ा एग्जांपल हाल ही में हुआ वर्ल्ड कप है जो एक ठीक ठाक इवेंट था जिसकी ऑर्गेनाइजिंग में शायद थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, लेकिन इसे लेकर दुनिया भर में बातें हुई कि वो काफी अनफेयर है। भारत को ये बोला गया कि हमने सभी मैचेस फेवरेबल कंडीशन में खेले हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया को चेन्नई में खिलाना और इंग्लैंड जैसी टीम को लखनऊ में। इसके बाद जब फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से फिर सामना हुआ तो जो गुजरात की पिच के स्लो होने पर कॉन्ट्रोवर्सी हुई और मैच को हारने के बाद ये कहा गया कि अगर बीसीसीआई भारत को वो स्लो पिच ना देता तो उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाते। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहना तो मुश्किल है दोस्तों, लेकिन बीसीसीआई की छवि इस वक्त बाकी बोर्ड्स और फैंस के बीच में इतनी खराब है कि लोगों को इस खबर पर विश्वास करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। बीसीसीआई के ऊपर एक बड़ा इल्जाम ये भी लगता है कि उन्होंने उन बोर्ड्स के साथ धोखा किया है जिन्होंने उनकी मदद की थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि 1987 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर लाने के लिए बीसीसीआई को पीसीबी और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की मदद लेनी पड़ी थी और इसके बाद ही इलेक्शंस में उन्हें समय समय पर एसोसिएट नेशंस का साथ भी चाहिए होता था, लेकिन अब बीसीसीआई ने अपने इन पुराने साथियों को छोड़ दिया है और वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ मिलकर बिग थ्री का पार्ट बन गए हैं जो कि क्रिकेट के सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर राज करते हैं। 2014 में ही बीसीसीआई ने एक प्रपोजल पेश किया था कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत को आईसीसी के रेवेन्यू का ज्यादा बड़ा शेयर मिलना चाहिए और इसी के साथ साथ आईसीसी की कमान भी एन श्रीनिवासन ने संभाल ली थी। तो बीसीसीआई का आर्ग्यूमेंट ये भी था कि आईसीसी का 75% रेवेन्यू इंडियन व्यूअरशिप से ही आता है, इसलिए सबसे बड़ा शेयर उन्हें ही मिलना चाहिए, लेकिन इससे एसोसिएट नेशंस की फंडिंग पर बुरा असर पड़ा है जहां बिग थ्री में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी आईसीसी के रेवेन्यू का सिर्फ 7% हिस्सा ही लेते हैं। वहीं बीसीसीआई के पास आईसीसी रेवेन्यू का अब 38.5% हिस्सा जाने लगा है और जो बाकी बचे फंड्स हैं उसमें बाकी फुल टाइम मेंबर्स के अलावा 90+ एसोसिएट देशों के लिए भी फंड्स शामिल हैं। यही वजह है कि जहां फीफा जैसे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने वाली टीम्स के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, वहीं क्रिकेट वर्ल्ड कप में आप सिर्फ 8 से 10 टीम्स ही देख सकते हैं। अब देखिए, क्रिकेट वर्ल्ड कप्स में रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए जानबूझकर फॉर्मेट्स को भी छोड़ा जाता है। आपको याद होगा कि 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भारतीय टीम पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी। इसके बाद वर्ल्ड कप की व्यूअरशिप पर काफी असर पड़ा जिस वजह से अब इस तरह के गेम्स को डिजाइन किया जाता है कि भारत को ज्यादा मैचेस मिले और पाकिस्तान के साथ भी कम से कम एक मैच तो हो ही जाए। ये सभी इल्जाम बहुत सीरियस हैं क्योंकि इनसे निष्कर्ष ये निकाला जाता है कि बीसीसीआई अपने लालच में इंटरनेशनल क्रिकेट को डैमेज कर रही है। अब यहाँ पर एक चीज ये भी क्लियर करने की जरूरत है कि जितने इल्जाम लोगों द्वारा बीसीसीआई पर लगाए गए हैं वो सभी सच नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि बीसीसीआई पूरी तरह से क्रिकेट का डिस्ट्रक्शन ही चाहता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अब क्योंकि आईसीसी की कमांड बीसीसीआई के हाथों में है, इसलिए क्रिकेट के साथ जो भी बुरा होगा तो उसकी जिम्मेदारी भी बीसीसीआई के कंधों पर ही डाली जाएगी। तो क्या ये बात पूरी तरह से फेयर है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है, पर आपको क्या लगता है कि क्या बीसीसीआई को वर्ल्ड क्रिकेट के बारे में भी सोचना चाहिए? वो इसी तरह अपने इस रास्ते पर ही चलते रहें? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।